हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिना ईस्ट और बिना ओवन के पनीर टिक्का पिज़्ज़ा कढ़ाई में बनाकर दिखाने वाली हूं और आप इसे घर पर बहुत आसानी से बिना ओवन और माइक्रोवेव के बना पाएंगे और ये बहुत यम्मी बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। पनीर टिक्का पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस ली है, ये घर की बनी पिज़्ज़ा सॉस है। मैंने यहाँ पे मैदा ली है 150 ग्राम, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चम्मच चीनी, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच के करीब नमक, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक और 6 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे दही लिया है और ग्राम्स में यहाँ पे तो 50 ग्राम के करीब दही है। और टॉपिंग्स के लिए मैंने यहाँ पे लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च लिए जिन्हें मैंने स्क्वायर पीसीस में काट लिया है, पनीर लिया है इसे मैंने क्यूब शेप में काट लिया है क्योंकि हम यहाँ पे पनीर टिक्का बना रहे हैं, और कुछ मसाले लिए हैं, 1/4 चम्मच के करीब नमक लिया है, 1/4 चम्मच के करीब ही मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच के करीब ही मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक की पेस्ट, 1/4 चम्मच के करीब यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, और मैंने यहाँ पे 50 ग्राम दही लिया है जिसे मैंने चलनी में छान लिया है, और ये दही थोड़ा गाढ़ा है इसे हम हंकड़ भी कहते हैं, और मैंने यहाँ पे अमूल का मोज़रेला चीज़ लिया है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, और 1 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल लिया है। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं, मैदा डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम मैदा ली है। अब हम इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच से हल्का सा कम नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं, और 6 चम्मच के करीब दही, अगर ग्राम्स में ना पे तो 50 ग्राम के करीब दही है, और सभी को मिक्स कर लेंगे। हमें इसका बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार करना है, टाइट नहीं गूंथना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे गूंथ लेते हैं। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर और दही डालने से डो थोड़ा सा उठ जाएगा जिससे पिज़्ज़ा में थोड़ी सी जाली बन जाएगी। वैसे तो मैदा को उठाने के लिए यीस्ट यूज़ की जाती है, पर मैं यहाँ बिना यीस्ट के बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला है, और इससे पिज़्ज़ा बहुत ही सॉफ्ट और परफेक्ट बनेगा। ये देखिए डो तैयार हो गया है। अब हम थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं। एक बार फिर इसको गूंथ लेते हैं। अब हम इसे 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे जिससे थोड़ी सी मैदा उठ जाएगी। अब हम टॉपिंग्स के लिए मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। दही डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे हंकड़ लिया है, ये 50 ग्राम के करीब है, और इसे मैंने चलनी में डालकर रख लिया था जिससे इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल गया है और ये गाढ़ा हो गया है। हमें इसमें गाढ़ा ही दही लेना है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी मैं यहाँ थोड़ी सी ही ले रही हूँ। 1/2 चम्मच के करीब नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं। 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, यहाँ पर हमें कश्मीरी लाल मिर्च लेनी है कि हमें ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है। 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक की पेस्ट, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, और सभी को हम एक बार मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैरिनेशन तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पनीर टिक्का पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने ये वाला मसाला तैयार किया है। आइए अब हम इसमें शिमला मिर्च और पनीर डाल लेते हैं, और इन्हें हल्के हाथों से हम मिला लेते हैं कि पनीर टूटे नहीं। फ्रेंड्स,
हम तंदूरी पनीर टिक्का बनाने के लिए भी सेम मसाला तैयार करते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि बिना पनीर टिक्का के बनाएं, तो आप सिंपल वेजिस भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा बनता है। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। ये देखिए डो तैयार हो गया है, मैंने इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रखा था। इतने डो से 2 स्मॉल साइज़ के पिज़्ज़ा बनेंगे। मैं यहाँ पे 2 पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ और मैं यहाँ पे 1/2 डो यूज़ करने वाली हूँ। अब हम थोड़ा सा मक्की का आटा डाल लेंगे, आप चाहे तो बेसन या फिर मैदा भी ले सकते हैं। अब हम इसे उंगलियों से अच्छी तरीके से फैला लेंगे, आप चाहे तो बेलन से भी इसे बेल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप पिज़्ज़ा बनाने के लिए चाहे तो पिज़्ज़ा स्क्रीन या फिर स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे केक पैन की प्लेट ले रही हूँ। मैं इसे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ जिससे कि पिज़्ज़ा चिपके नहीं। अब हम पिज़्ज़ा बेस को ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमने अंदाजे से फैलाया था, अब हम थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से शेप दे देते हैं। अब हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पे घर की बनी पिज़्ज़ा सॉस ली है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप चाहे तो रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं। अब हम थोड़ा सा चीज़ भी इसके ऊपर स्प्रेड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे अमूल का मोज़रेला चीज़ लिया है, आप कोई भी ब्रांड का चीज़ ले सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल लेते हैं, इसे मार्केट में पिज़्ज़ा सीजनिंग भी कहते हैं। इसमें सभी मसाले और हर्ब्स मिक्स होते हैं जिससे पिज़्ज़ा को बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलता है। अब हम इस पर टॉपिंग्स लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पे टॉपिंग्स लगा ली हैं, अब हम इस पर चीज़ और डाल लेते हैं जिससे और भी चीज़ी बन जाए। बच्चों को तो चीज़ वैसे ही बहुत पसंद होता है। थोड़ा सा ऑरिगेनो और डाल लेते हैं और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं। अब ये बेक करने के लिए तैयार है, मैं इसे कढ़ाई में बेक करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पहले से ही कढ़ाई में नमक गरम कर लिया है, हम पिज़्ज़ा कढ़ाई में बनाने वाले हैं और ये नमक मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, इसलिए इसका रंग थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस टाइप का स्टैंड रख सकते हैं या फिर कटोरी भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पर छलनी वाला स्टैंड यूज़ कर रही हूँ। हम इसे बड़े आराम से रख लेते हैं क्योंकि नमक काफ़ी गर्म है। मैंने यहाँ पर आटा छलनी का रिंग लिया है, इसमें से मैंने जाली निकाल दी है, इससे पिज़्ज़ा को प्रॉपर हीट मिलेगी। अब हम इसमें पिज़्ज़ा रख लेते हैं, इसे हम ढक देते हैं। फ्रेंड्स, हम इसे मीडियम गैस पे ऐसे ही ढककर 25 से 30 मिनट बेक करने वाले हैं। 25 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। वाओ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो किनारे से बहुत अच्छी तरीके से बेक हुआ है और चीज़ भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। आइए अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। आइए अब हम इसे काट लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से सिक चुका है और नीचे से भी अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। फ्रेंड्स, ये पिज़्ज़ा सच में बहुत परफेक्ट बना है, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।